अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है चंद्रयान 3, आगे हिंदी में तो कोई लेटेस्ट अपडेट है, देखते हैं इस वीडियो को। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद मिशन से जुड़ा एक और बड़ा काम कर दिया है। इसरो चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहे चंद्रयान 3 मिशन के प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी पीएम को वापस पृथ्वी की कक्षा तक लाने में सफल हुआ है। ये काम इसरो के शुरुआती प्लान का हिस्सा नहीं था। उसकी इस सफलता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसरो के भविष्य के चांद से जुड़े मिशंस में बड़ी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा मॉड्यूल के अंदर शेप नाम का एक पेलोड भी है जो पृथ्वी से जुड़ी स्टडी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का अब तक का सफर कैसा रहा, इसके जिम्मे क्या काम था, इसको वापस पृथ्वी की ऑर्बिट तक कैसे लाया गया और यह आगे क्या करेगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। ये मिशन अपने आखिरी स्टेज में फेल हो गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर सही सलामत बना रहा। चंद्रयान 3 मिशन के वक्त इसरो के अर्थ स्टेशन तक जानकारियां साझा करने के लिए इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल हुआ, जबकि लैंडर को चांद की सतह के ऊपर 100 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाने के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। पीएम का मुख्य काम इतना ही था। इसके अलावा ये अपने साथ एक और पेलोड स्पेक्ट्रो पॉलीरिमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेट यानी शेप लेकर गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है जिसका काम है पृथ्वी की निगरानी करना और वहां मौजूद उन निशानों को ढूंढना जो जीवन के लिए जरूरी हैं। इन्हीं निशानों को स्पेस में बाहरी ग्रहों पर ढूंढा जाए। विक्रम लैंडर और शेप पेलोड के साथ लेकर पीएम ने पृथ्वी की कक्षा 1 अगस्त को छोड़ी। 5 अगस्त को इसने लूनो ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश किया और 17 अगस्त को पीएम लैंडर से अलग हो गया और चांद के बाहर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस कक्षा में था वही बना रहा। अब आगे का काम लैंडर और उसके अंदर रखे रोवर का था। 23 अगस्त को वो यादगार तारीख थी जिसे जरा फिर से याद कर लेते हैं। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, सबने खुशी मनाई। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात और जानने लायक है। विक्रम लैंडर ने एक और ऐसा कारनामा किया जो शुरुआती प्लान में नहीं था। इसरो ने बताया भी था कि जब ये कारनामा हो गया, मतलब उस वक्त पर क्या था ये कारनामा, आपको याद दिला देते हैं। 4 सितंबर को लैंडर ने चांद की सतह पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग की। स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर ने अपने इंजन फिर से शुरू किए और खुद को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर दूसरी जगह उतरा। हमने लैंडर के इस अनप्लान्ड सफलता का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ऐसा ही कुछ अब प्रोपल्शन मॉड्यूल ने किया है। इसरो के मुताबिक शुरुआत में प्लान था कि शेप पेलोड सिर्फ 3 महीने तक काम करेगा, माने इसकी मिशन लाइफ इतनी ही तय की गई थी। क्यों? क्योंकि माना जा रहा था कि पीएम को ऑपरेट करने के लिए इसमें इतने ही दिन का ईंधन है, उसके बाद इसकी जिंदगी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसरो ने बीते 4 दिसंबर को एक नोट जारी करके बताया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च करने वाला रॉकेट है, वो सटीक ऑर्बिट में जाने और पृथ्वी चांद की कक्षा में सटीक मैन्यूवरिंग के चलते लूनर ऑर्बिट में 1 महीने का वक्त बिताने के बाद भी पीएम में अभी 100 किलोग्राम से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। चूंकि ईंधन बच गया तो आगे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो ने कहा, ईंधन की उपलब्धता और सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए अक्टूबर 2023 के महीने में पीएम की अर्थ रिटर्न ट्रैजेक्टरी डिजाइन की गई है। इसरो ने कहा, यह हमारे मिशन का प्लान का हिस्सा नहीं था। मिशन की सटीक प्लानिंग के चलते ईंधन की बचत हुई और उसका इस्तेमाल भविष्य के चंद्रमा मिशन में सैंपल की वापसी यानी चांद के साथ किसी पेलोड की वापसी के लिए प्रयोग के तौर पर किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती के नजदीक और उसके सही ऑर्बिट में लाना था। 9 अक्टूबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने पीएम को अपने ऑर्बिट बदलने का निर्देश दिया। पीएम चांद से अपनी दूरी बढ़ाने लगा। उसने चांद के चारों तरफ 100 किलोमीटर के ऑर्बिट से 150x5112 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्रवेश किया। छोटे ऑर्बिट में इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग रहा था और बड़े ऑर्बिट में इसे 7.5 घंटे का वक्त लगा। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने पीएम में मौजूद फ्यूल की दोबारा जांच की। इस प्रोसेस को ट्रांस अर्थ इजेक्शन यानी TEI मैन्यूवर कहा जाता है। 10 नवंबर को इसने चांद के चारों तरफ 4 फ्लाई बाई की यानी चांद से अपनी दूरी बढ़ाते हुए
4 उड़ानें भरीं। 22 नवंबर को इसके ऑर्बिट में सुधार किया गया और अब इसरो ने कहा कि इस वक्त पीएम पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया, अब पीएम का ऑर्बिट पीरियड यानी चक्कर लगाने में लगने वाला समय 13 दिन का है और इसका झुकाव 27 डिग्री है। पेरिजी और उपजी पृथ्वी से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई बदल सकती है। इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे सक्रिय सैटेलाइट से कोई भी खतरा नहीं है। अब बात फायदे की। पीएम के पृथ्वी की कक्षा में आने से इसरो को सबसे बड़ा फायदा उसके अगले मून मिशन के दौरान होगा। इसरो के वैज्ञानिक ये समझ सकेंगे कि चांद से पृथ्वी तक लौटने में किस तरह की मैन्यूवरिंग और किस तरह की ट्रैजेक्टरी की जरूरत होती है। दूसरा, शेप के जरिए धरती की निगरानी आसान होगी। इसरो के मुताबिक प्लान के तहत शेप पेलोड को तब तक ऑपरेट किया जा सकता है जब तक कि पृथ्वी की सीधी फील्ड ऑफ व्यू में है, माने जब इसके और पृथ्वी के बीच कोई अवरोध नहीं है। 28 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन भी इसका स्पेशल ऑपरेशन हुआ था और ये आगे भी जारी रहेगा। इसरो ने यह भी कहा कि इस प्रयोग से इसरो के लिए भविष्य में एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाने के रास्ते खुले हैं। चलते चलते ये भी जान जाइए कि पीएम में अब तक कितना ईंधन बचा हुआ है और वो बचे ईंधन के सहारे पीएम अब कितने वक्त तक काम करता रहेगा। कुछ दिन पहले ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजित कुमार मोहंती ने बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन में पीएम को परमाणु तकनीक से ईंधन मिल रहा है। उनके मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 रेडियो आइसोटोप्स हीटिंग यूनिट हैं और जो 1 वाट की ऊर्जा पैदा कर रही हैं। इसी से पीएम के ऑपरेट होने के लिए ज़रूरी तापमान मिल रहा है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट बदलने और कई बार इसके थ्रस्ट को ऑन करने में खर्च हुआ, लेकिन अभी इसमें 100 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। पहले कहा गया कि पीएम मिशन लॉन्च होने के बाद कुछ महीनों तक काम कर सकता है, लेकिन इसके बाद इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमारे पास उम्मीद से ज़्यादा फ्यूल बचा है और अगर बाकी सब कुछ सही रहा तो ये कई सालों तक भी काम करता रह सकता है। ये सारी जानकारी मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने जुटाई थी। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लप लप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लप लप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। जी जनाब, तो इसरो जो है वो दुनिया को मजीद हैरान करता जा रहा है। प्रोपल्शन मॉडल जो है वो जो चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा था वो ज़मीन के गिर्द अब चक्कर लगा रहा है और जो मतलब सेफ्टी और एक्स्ट्रा फ्यूल ये सारी चीज़ें पहले से सोच ली गई थी, प्लान ए प्लान बी, दोबारा हम ये कर सकते हैं, फिर ये भी कर सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट भी। अगर एक मिशन भेज दिया गया तो वो बस वहीं तक की सोच नहीं थी कि हाँ भाई ये हो गया। वही अगर सही तरीके से हो जाता है तो यही एक कामयाबी थी। फिर उसके बाद नए मिशंस की तैयारियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, ये होता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर वो चीज़ें वहाँ हैं तो मज़ीद उनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, बाकायदा उनको रिवर्स कर किया जा सकता है, बाकायदा उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा लेवल की सोच, यानी कि आम शख्स या कोई नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। एक वक्त में इंसान एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सोच रहा होता है, एक चीज़ पर फोकस करता है ताकि उस चीज़ में इंसान कामयाब हो, उस चीज़ को अच्छे तरीके से करें, लेकिन वो होने के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, सारी चीज़ों को माइंड में रखा हुआ था, सारी चीज़ों को सोचा हुआ होगा। वह होगा कि रात को सोए तो सुबह उठे तो ये ख्याल आ गया, हर चीज़ प्री प्लानिंग से हुई होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनाउंस नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले बोली नहीं जाती, क्या पता क्या हो आगे क्या ना हो। तो वक्त के साथ साथ स्टेप बाई स्टेप लोगों को चौंकाया जाता है, दुनिया को हिलाया जाता है कि हम इंडियंस हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। वाकई और पूरी दुनिया या नासा जो है वो भी कोलैबोरेशन के लिए तैयार है, बहुत सारी चीज़ें साथ मिलके कर रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडिया से इसरो से ले रहे होंगे। तो जो लोग ये कहते थे या जो लोग ये कहते हैं कि बिलावजह का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो
तो ये भी एक बिज़नेस है, ये भी एक काम है, ये भी एक अपने कंट्री की एक वैल्यू बढ़ाना है, ये भी अपने कंट्री के लिए मज़ीद दूसरे कंट्री से बिज़नेस लाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह के मिशन क्यों ज़रूरी होते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।